गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के साथ ही एमसीडी चुनाव निपटने के बाद अब भाजपा सभी राज्यों में संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में जुट गई है। इसी क्रम में बीजेपी मुख्यालय देहरादून में भाजपा पदाधिकारी की अहम बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल हुए, तो वहीं सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में शिरकत की। बैठक समापन होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रम के साथ ही आगामी चुनाव के संबंध में चर्चा की गई। और आज चूंकि पूरे प्रदेश की टीम नहीं बन गई है, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में अभी उनके बनने के बाद पंचायत का चुनाव हुआ हरिद्वार का, जिसमें ऐतिहासिक विजय श्री हमको मिली है। आगे आने वाले समय के लिए जो हमारे निकाय के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर जनहित के कामों को आगे बढ़ाएंगे, संगठन के कामों को आगे बढ़ाएंगे। आज उनकी पहली बैठक हो रही है, मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो वही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने बताया कि बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ ही बूथ पर पन्ना प्रमुखों की व्यवस्था को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। देखिए, अभी पूर्व में हमने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए थे, उनके पदाधिकारी नियुक्त किए थे। अब जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, मोर्चा के अध्यक्ष नियुक्त हो गए, उनकी पूरी की पूरी टीम का गठन हो रहा है। उस गठन की प्रक्रिया चालू है, उसमें आत्म मंथन करके विचार कर वो जल्दी से जल्दी हमारे संगठन को आगे बढ़ा सकें, ऐसी एक टीमों की सब कार्य होने वाले हैं। संगठन विस्तार के साथ साथ सरकार में कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपने को लेकर दुष्यंत गौतम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द ही संगठन विस्तार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार में भी दायित्व सौंपा जाएगा, उसके बाद सरकार और संगठन प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेंगे। चल रहा है, दायित्वधारियों को भी पैरेलल चल रहा है, वो भी होगा, सभी चीजें जल्दी जल्दी निपटा देंगे और फिर उत्तराखंड को गति देने के लिए काम करेंगे। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, उसको पूर्णता करने के लिए हम काम कर रहे हैं। सर, क्या नए साल में माने कि कार्यकर्ताओं को सौगात दायित्व की मिल जाएगी? अभी बैठते हैं, प्रक्रिया देखते हैं, उसके बाद में बताएंगे। वही राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बैठक का मुख्य मकसद पार्टी को एकजुट करना है। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा रहे अजय कोठियाल भी शामिल हुए। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अजय कोठियाल को पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।